Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. आई होप यू आल आर डूइंग फाइन और आज का वीडियो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस है आप लोग टाइटल से तो पढ़ ही चुके हो और मेरे कान के झुमके भी बता ही रहे हैं कि आज का वीडियो क्या होने वाला है मुझे ना इंडियन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है पर मैं यूजुअली जैसे कभी मार्केट गए कोई पीस पसंद आ गया तो ले आए मैंने ऐसे कभी बैठ के प्रॉपर इंडियन एथनिक ऐसे भारी भारी झुमकों की शॉपिंग नहीं करी है एंड uh, मैं कभी भी वीडियोज़ बनाती थी ना तो यू uh, नो you know, वो झुमके की कमी रह ही जाती थी एंड जो मेरे पे थे भी छोटे छोटे झुमको से लेके ले ऐसे बड़े बड़े इयर रिंग ना, नाक की जो होती है ना नोज रिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम्स है एंड यून इंजॉय दिस वीडियो इफ यूर ज्वेलरी होर्डर लाइक मी अगर आपको भी से इयर वगैरह का कर कलेक्शन करना या देखना पसंद है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड द बेस्ट पार्ट वॉज द प्राइसेस मतलब प्राइसेस इतने ज़्यादा अफोर्डेबल थे मतलब सरोजनी लाजपत सब फेल था इसके आगे ऊपर से सेल चल रही थी तो मुझे और ही अच्छे प्राइसेस पे मिल गए तो मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइस स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी प्राइसेस याद नहीं है कि मैंने कितने में मंगाए थे सो येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और अगर, अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट सो दैट आई अपलोड न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरे Let's just dive right into the video. तो शुरू करते हैं इस वाली earrings से ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी पेस्टिल पिंक कलर के ईयर हैं एंड इसमें यहाँ पे गोल्डन डिटेलिंग है छोटे छोटे यहाँ पे वाइट कलर के भी नग लगे हुए हैं यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एंड ये जो ड्रॉपलेट्स है ना ये तो बिल्कुल चार चांद लगा रहे हैं दिस इज एक्चुअली अ चांद बाली चांद के शेप में एंड मुझे चांद बाली इसका बहुत ज्यादा शौक है लाइक बहुत ही ज्यादा सॉ एप्सिल्यूटली लव दीज ईयर थोड़े से भारी है लाइक वो तो दिख ही रहे हैं एंड इतने सारे लेयरस है तो थोड़े से भारी है तो आप यहाँ पे अपने जो वो ईयर वाले टेप्स वो यूज कर सकते हो या नमिंग क्रीम यूज कर सकते हो आई नॉट माइंड एट ऑल तो मुझे तो काफी ज़्यादा पसंद आए तो आई एम एब्सोल्यूटली इन लव विद दीज वन है ये ऑक्सीडाइज इयर काफी अच्छी पैकेजिंग में ये सारी इयर रिंग्स आए थे ऐसे प्लास्टिक बॉक्सेज में बबल रैप होके मतलब सबकी अलग अलग पैकेजिंग थी बट मुझे कोई भी इयर ऐसे डैमेज नहीं मिला था तो, तो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ये एक ऑक्सीडाइज्ड इिंग है जैसे सरोजनी वगैरह में मिलते हैं उसी टाइप का ये इयर है एंड इसमें यहाँ पर कलर था तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे पर्टिकुलर कलर्स में नहीं थे मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल्स लेती थी लाइक सिल्वर्स वाइट्स गोल्ड्स इस बार मैंने कलर्ड ईयर मंगाए हैं तो ये वाले काफ़ी ज़्यादा सुंदर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल वजन नहीं है इनमें एंड अब देखो कि यहाँ पे पूरा ऐसे ऑक्सीडाइज यू uh, नो you know, इसमें डिटेलिंग है एंड नीचे आते आते इसमें से डार्क ब्लू रॉयल ब्लू काइंड ऑफ कलर में ये इयर है एंड देन नीचे छोटी छोटी सी झुमकियां लगी हुई है तो ये ईयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा पहनने के बाद ऐसे ईयर ना आप डेली बेसिस पे भी पहन सकते हो प्लेन कुर्ती वगैरह के साथ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये एक सेट मंगाया है जिसमें कि नेक पीस और इयर दोनों हैं अगेन ये काफ़ी ज़्यादा अभी नवरात्रि वगैरह के टाइम पर भी अप्रोप्रिएट था और ये वैसे भी बहुत सुंदर लगता है तो इसके इयर ऐसे कमल की शेप के हैं नीचे झुंकी लगे हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये पहन के पता भी नहीं लगता कि कुछ पहना हुआ है तो ये ऐसे ऐसे कमल वाले इसमें ईयर हैं एंड साथ में इसमें एक चोकर स्टाइल का नेकलेस है एंड दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक इट सो सोपरिटी मतलब इसको आप कुर्ती और जीन्स भी अगर आप डालो ना उसमें भी इसको पहन सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा सो आई रियली रियली लव दिस चोकर मेरे को ऐसे ऑक्सीडाइज चोकर कलेक्ट करने का बहुत शौक है मैंने अभी तक ज़्यादा पहने तो नहीं है बट ये लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है अच्छे लगते हैं पहन के पता नहीं मैं पहनती क्यों नहीं बट आई विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड ऐसा ब्लैक कलर का थ्रेड है टू एडजस्ट आप अपने नेक के विट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अगेन ये ऐसा ऑक्सीडाइज पीस है मेरे पे अगेन ऑक्सीडाइज में भी ना मेरे पास सिल्वर में काफ़ी सारी इयर हैं बट ऐसे गन मेटल कलर में मेरे पास बहुत कम ईयर रिंग्स आई थिंक एक या दो हैं तो मैंने मंगवाए इस बार एंड ये इतने बड़े बड़े झुमकाज हैं आई डू नॉट ओन लाइक सच बिग चंकी झुमकाज और ये ऐसे हैं मतलब ऊपर से इधर तक आते हैं एंड देन ये यहाँ पे झुमका है तो ना ये मेरे फेस पे यू you नो know, जो मेरा चबी एरिया है वहाँ पे फोकस नहीं डालते हैं तो इसके वजह से ना मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड और नॉट सो चबी लगता है तो ये मुझे मेरे फेस टाइप के लिए ये वाले झुमकास काफ़ी ज़्यादा पसंद आए प्लस ये गन मेटल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द बेस्ट पार्ट आर द घुरूज एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये दिखने में काफ़ी भारी लगते हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं ये मैंने ना कॉम्बो में मंगाया था इसके साथ ये वाला इयर रिंग आया है तो जब मैं मीशो में स्क्रोल कर रही थी तो मुझे वो वाला ईयरिंग रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया फिर मैंने देखा कि एक सेलर वो वाला इयर रिंग टू हंड्रेड या थ्री हंड्रेड कुछ का दे रहा था एंड एक सेलर सिमिलर प्राइस में दो का कॉम्बो दे रहा था आई वाज लाइक लेट्स ट्राई लाइक क्वालिटी का कोई फर्क आता है या डैमेज आता है बट आई गॉट सच अ गुड डील और मुझे उतने में दो ईयर मिल गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ऑल uh, ये वाले ईयर मेरे थोड़े से कम्फर्ट जोन के बाहर है बट आई वुड लव टू यू नो ट्राई द बोहो जो एस्थेटिक होता है ना बोहो स्टाइल वो मुझे ट्राई करना है इसलिए मैंने ये वाले मंगवाए थे सो so, ये ऐसे हैं ये भी ऐसे बड़े बड़े से इयरिंग है अगेन वेरी वेरी लाइट वेट तो इसमें यहाँ पे ऐसे हल्की हल्की सी डिटेलिंग दी हुई है सिल्वर कलर में एंड नीचे इसमें शेल्स लगे हुए हैं तो बीच वाइप के लिए ये एकदम परफेक्ट है या फिर अगर आपको वो बोहो एस्थेटिक अच्छा लगता है तो आपको ये वाले एयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड प्लस काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील थी दो की तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और ऑक्सीड डाइज आई थिंक ये लास्ट ऑक्सीडाइज्ड फेयर है मेरे पास एंड अगैन ये वाला झुमका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया लाइक लुक कैदीज़ एकदम परफेक्ट वो जंक जूलरी वाइफ दे रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहन के भी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मतलब कभी भी आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा ऐसा सिंपल बेसिक सा होना ऐसे भारी भारी सी के पहन लो तो एकदम लुक एलिवेट हो जाता है लुक के हिसाब से जितना भारी लग रहा है ना उतना भारी है नहीं एंड आई लव द लुक ऐसे छोटे -टो, छोटे 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 कॉइन डिटेलिंग है मिरर वर्क है इसमें और घुंघरू हैं तो यह से बज रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड uh, ये भी गन मेटल कलर में है तो मुझे भी अगेन इसकी ऐसा एस्थेटिक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा तो अब बढ़ते हैं इस पीस की तरफ ये इयर नहीं है ये मैंने कुछ सेट्स ऑफ नोज पिन मंगवाई हुई हैं वो जैसे गंगू बाई वगैरह में नहीं चली थी ऐसे एकदम रस्टिक गन मेटल सिल्वर टाइप में इधर तो मेरे ये है तो मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके की लगती है तो मुझे ना कुछ लुक्स है मेरे दिमाग में मुझे वो ट्राई करने थे तो उसके लिए मैंने मंगवाए एंड इट यू नो चेंजेस द लुक मैं हमेशा ऐसी वाली पहनती हूँ ये वाली पहन के मुझे लुक्स वगैरह क्रिएट करने का काफ़ी मनता है आई थिंक मेरे फेस पे अच्छी भी लग रही है क्या कहते हैं कॉमेंट्स में बताओ तो ये ना ऐसे अलग अलग एक दो तीन चार पाँच छः छः का सेट आया हुआ है सो यस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी लाइट वेट है गुड क्वालिटी है एकदम स्टर्डी ऐसे फ्लिम्सी सी नहीं है कि लगाते लगाते टूट जाएंगी तो मुझे अच्छी लगी एंड प्लस ये काफ़ी अफोर्डेबल भी थी उसमें मुझे छः डिफरेंट ऑप्शन मिल गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस हैं तो मैं अपने लुक के अकॉर्डिंग कोई सा भी पेयर कर सकती हूँ तो चलो बट हैं अपनी नेक्स्ट छोटी सी आइटम पे ये है एक नोज़ रिंग हाँ नोज़ रिंग या पेन पता नहीं क्या बोलेंगे इसे ये वैसी नहीं आई है जैसी मैंने मंगाई थी बट मुझे फिर भी ये थोड़ी सही लगी लाइक like, जो लुक मेरे माइंड में है उसके लिए ये सही है मेरे को कभी कभी मन करता है ऐसे लुक्स वगैरह क्रिएट करने का ना तो इसीलिए मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी मंगाई है तो मैंने जो मंगाई थी ना उसमें डबल चेन थी और ये आ गई है मेरे पास इसे ट्रिपल चेन में तो मैं प्लान कर रही हूँ ना कि मैं ये वाली चेन निकाल दूँ सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड आई थिंक दैट लुक्स बेटर आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट से बताओ कि आपको वो ट्रिपल चेन में ज़्यादा अच्छी लग रही है या डबल चेन में बट मुझे नोज रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जैसे राधा रानी वाला मैंने लुक किया था ना उस टाइम पर ये आ गई होती तो मैंने तब लगाया होता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो नेक्स्ट है ये वाले झुमका मुझे ये बहुत अच्छे लगे बट इसमें एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी आपको बताती हूँ सो दिस इज़ बोथ द झुमका लुक लाइक सोप रिटी लाइक राइट तो इनको ना आप सूट पे साड़ीस पे भी पहन सकते हो प्लेन इस पे भी पहन सकते हो ये बहुत ज़्यादा सुंदर ईयर रिंग लगे मुझे एंड इनका जैसे ऐसा अम्ब्रेला शेप है नीचे इतने सारे से झालर सी लटकी हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा बस ये है कि हाँ जब मैं इसको ऐसा डालती हूँ इसमें ना ये हुक वाला है तो ये काफ़ी लंबा है ठीक है तो ना ये ईयर से थोड़ा नीचे तक ये आता है देन द झुमका स्टार्च तो ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा यू नो नॉट सो गुड लगा बट आई डू नॉट माइंड क्योंकि ये झुमका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया प्लस कि इसका जो कलर है ना ऐसा रेड एंड ग्रीन में है तो ये काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड अगेन दिस इज़ वन पीस विच लुक्स है बट इज़ वेरी लाइट वेट तो आप इसको आराम से पहन सकते हो नाउ इसी कलर थीम में मेरे पास एक और इयर रिंग है जो कि रेड एंड ग्रीन है बट दीज आर मोर लाइक वेरी एथनिक इनको आप साड़ीज़ वगैरह के साथ पहन सकते हो हैवी सूट्स के साथ पहन सकते हो पटियाला के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा तो ये वाले झुमके मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये ग्रीन रेड एंड गोल्डन की शेप में एंड इनकी सॉरी शेड में एंड इनकी शेप काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अगर आपको ऐसे शेप दिख रही है इनकी तो ये ना सर्कल में नहीं है ये देखो यहाँ से, से लंबा है इधर से पतला है तो इट इज़ मोर लाइक अ ऐसे करके शेप है ठीक है जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती थी ना बायो में वैसी शेप है इनकी और ये झुमके काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं तो इनको आप काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइक वो कांजीवरम सिल्क की साड़ीज़ होती है उन पे भी ये काफी ज्यादा खिलेगा वैसे एकदम चटाक टाइप्स कलर है तो ये बहुत सुंदर है अगैन ये झुमका है एंड ये ऊपर से छोटे छोटे पेटल्स है एंड नीचे से छोटी सी झुमकी है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है मेरे ईयर के आगे तो दिख भी नहीं रहे बट तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है राइट बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लगे अगेन मैंने ये रॉयल ब्लू कलर में मंगाया एंड मैंने यहाँ पे से वाइट एंड पिंक कलर की डिटेलिंग है तो इनको कॉन्ट्रास्ट में भी आप पहन सकते हो uh, कोई भी कुर्ती के साथ ये छोटे छोटे झुमका बहुत अच्छे लगते हैं इनफैक्ट साड़ीज़ वगैरह के साथ भी अगर आप इस अपडू कर रहे हो बालों का तो छोटी सी झुमकी अच्छी लगेगी अगर आपको अपना लुक उतना ज़्यादा हैवी नहीं रखना और ये तो बिल्कुल हैवी है भी नहीं इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे तो आप अपने आउटफिट के हिसाब से चेक कर सकते हो मुझे बहुत क्यूट लगे एक और मैंने मंगाया है जो कि छोटा सा ऐसे कोई बड़ा झुमका नहीं है बट दिस इज अ स्टड ये एक लौता स्टड मैंने मंगाया है तो काफी लोग होते हैं जिनको ऐसे स्टड्स पहनना पसंद होता है नहीं पसंद की बड़े बड़े झुमके पहने बड़े बड़े ईयर पहने तो फिर मैंने ये वाला स्टड मंगाया अच्छा लगता है कभी कभी सारी इस पर स्पेशली पहनना या अगर आप हेयर अप कर रहे हो तो उस पर भी ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड uh, मतलब कभी ऐसा लुक एलिवेट करना है बट उतना हैवी नहीं चाहिए कानों में कुछ तो आप ऐसा कुछ पहन सकते हो ये थोड़े से बड़े साइज में है। तो विजिबल होंगे बट आपके कानों पे इससे ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा एंड मैंने ये मंगाया इसे रानी पिंक कलर में एकदम चटाक मजेंटा कलर है मेरा ना इसमें से यहाँ पे से एक नग निकल गया बट आई डोंट थिंक उतना पता चल रहा है ना अभी यहीं कहीं गिरा हुआ है तो फिर मैं ढूंढ लूँगी अभी एन अगर मुझे मिल गया तो मैं लगा लूँगी बट क्या ये बहुत सुंदर है एन अगेन इन में बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर मंगा सकते हो सिर्फ ये भी कलर्डियरिंग है ये मैंने मंगाया येलो में क्योंकि मेरे पास येलो कलर का लगा एक आउटफिट है और उसके साथ मुझे यूजुली मैं गोल्डन ही पहनती हूँ मैंने सोचा चलो इस बार येलो मंगा लेते हैं इनफैक्ट आप पिंक वगैरह के साथ कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हो और जो मैंने आउटफिट अभी पहना है ये इस पर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते तो ये इनसे थोड़े से छोटे साइज़ में है एंड इट लुक्स सो प्रिटी इसमें इस साइड में से येलो कलर का फ्लार है एंड इस साइड गोल्डन डिटेलिंग है एंड देन दिज येलो ड्रॉप्स ये मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगे इसमें थोड़े थोड़े कुंदन का वर्क है वाइट कलर का वर्क है एंड देन दिस येलो सो दिस दिस लुक वेरी वेरी प्रिटी मतलब मुझे काफ़ी ये वाले ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे आएंगे अच्छे लगेंगे कि नहीं बट ये आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे ये पहन के और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है उतना मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बट ऐसा मीडियम है जितने भारी ये है ना इतने भारी तो नहीं है ये एंड दे लुक वेरी वेरी प्रिटी ऑल्सो तो ये वाले अगैन है सब पिंक एंड ग्रीन में है uh, usually, अपने इंडियन जो एथनिक वेयर होते हैं ना उनमें पिंक्स एंड ग्रीन तो होते ही हैं तो ऐसे वाली इयर ना काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ यूनिवर्सल हो जाते हैं क्योंकि अगर आपके ड्रेस में ऐसे कलर में वर्क भी है ना तो भी आप ये वाले ईयर पहन पाओगे एंड ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में भी आया था तो ये इस तरीके का है यहाँ पे से गोल्डन वर्क है ग्रीन स्टोन है देन यहाँ पे एक मिररर है फिर इधर गोल्डन डिटेलिंग एंड देन दीज थ्री ड्रॉप्स पिंक पिंक एंड ग्रीन तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसमें आई थिंक कलर अवेलेबल था दो तीन कलर्स इसमें भी अवेलेबल थे आई थिंक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में आया है लुक्स वेरी वेरी प्रिटी लहंगे वगैरह के साथ भी आप अच्छे से पैर कर सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये है मेरा लास्ट कलर्ड योरिंग का पीस तो ये मैंने मंगाया से ग्रे कलर में कुछ ऐसा न्यूट्रल भी चाहिए था जिसे मैं बिना सोचे भी किसी चीज़ पर पहन पाऊँ तो ये ना वैसे सिल्वरिश ग्रे टाइप का है एंड इधर ऊपर ऐसे छोटा सा स्टड है एंड फिर ऐसे चांद बाली की शेप में ये है नीचे ऐसे बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्रे ग्रे से स्टोन है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एकदम परफेक्ट साइज़ है मुझे ऐसे शेप के झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है ये मैंने मंगाया था ग्रे कलर में बट इसमें इतने सारे सुंदर सुंदर कलर्स अवेलेबल है बट मुझे ये वाला कलर चाहिए था तो पहले मैं सोची थी इसमें ये वाला कलर मंगाऊँ और इसमें ये वाला बट देन फिर मैंने ये मंगाया तो आप मुझे बताओ आपको ये वाला कलर कैसा लगा ऐसे कलर का अगर आपका आउटफिट है ना तो भी बहुत अच्छे लगेंगे एंड इनफैक्ट आप इसको कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा तीन पीसेज हैं जो मैंने न्यूट्रल में मंगाए हैं न्यूट्रल मतलब गोल्डन एंड वाइट में जो वैसे कुंदन वर्क में होते हैं ना ऐसे वाली इयर मुझे बहुत पसंद है बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है तो सबसे पहले है ये मांग टिक्का ये तो कॉम्बो में आया था एक इयरिंग के साथ तो ये है मांग टिक्का लुक गेट हाउ प्रिटी दिस लुक्स मतलब मांग टिक्का आपका लुक ना एक सेकेंड में यू नो ऐसा एलिवेट कर देता है मुझे मांग टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये वाला मंगाया ऐसे ना माथा पट्टी भी काफ़ी ज़्यादा चली थी बीच में सॉरी बट मुझे पता नहीं था कि मेरे पे माथा पट्टी कैसी लगेगी तो फिर मैंने इस स्टाइल में मांग मांगटिक्का मंगा लिया नेक्स्ट टाइम मैं माथा पट्टी मंगा के देखूंगी कि कैसी लगती है बट ये मांग मांगटिक्का काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये आया था इस वाली इयर के साथ इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ईयर के मतलब सेम माथा मांग मांगटिक्का था बट ईयर रिंग काफ़ी सारे थे तो ये इयर कुछ इस टाइप के हैं मतलब ये वाला आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चले थे बीच में ऐसा वाइट एंड गोल्डन वर्क में पूरा ऐसा बीड वर्क है नीचे भी मोती लगे हुए हैं गोल्डन वर्क है तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लगते हैं और ये थोड़ा सा वेटेड भी है तो ये इयर और ये मांग मांगटिक्का का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा आपके दिवाली का लुक तो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा इन दो चीज़ों से तो ये वाला नेक्स्ट ईयर है काइंड ऑफ सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है तो मुझे ये वाला ईयर बहुत सालों से मुझे ये पसंद था मैंने ये पता नहीं किस वेबसाइट पे देखा था उस वेबसाइट पे ये कुछ तीन चार हज़ार का था एंड आई वाज एस इतना तो मैं नहीं दे रही हूँ ईयर के लिए एंड देन मुझे मीशो पे ये दो तीन साल बाद दिख गया मुझे इतना सुंदर लगा इसका डिज़ाइन इतना सुंदर है लुक एट द डिज़ाइन मतलब इतना सुंदर ये नीचे झुमका है यहाँ पर चाँद वाली टाइप शेप है बहुत प्रति कुंदन और बीड वर्क है झुमकी है तो ये वाली इयर तो मुझे बहुत पसंद आया प्लस इसके साथ में ऐसे चेन आती है जिसको आप पीछे ऐसे करके लगा सकते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है आप ओपन हेयर स्टाइल करो और इस इयर को पहन के ऐसे चेन लगा लो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड येस दीज वर ऑल दी इयर दैट आई बॉट फ्रॉम मीशो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट ईयर कौन सा है एंड अगर कोई और ज्वेलरी पीसेज है मीशो पे जो आपने पसंद किए और आपको बहुत पसंद आए हैं मुझे लिंक भेज देना नीचे मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिंक कर दूंगी तो आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड यस uh, yes, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय